हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लगभग दो माह पूर्व फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई करीब 2 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूट के 3,550 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 13 जुलाई को फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट अमन शर्मा से 5 लोगों ने झाड़ी मंदिर शक्ति फार्म के जंगल वाले रास्ते पर तमंचा दिखाकर 1,94,814 रुपए लूट लिए थे। इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके कब्जे से 80,100 रुपए तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए लुटेरों ने बताया कि इस लूट की योजना गुरनाम कौर पत्नी मंगत सिंह और मंगल सिंह पुत्र गुरदास सिंह निवासी ग्राम तिलियापुर ने बनाई थी। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने 5 आरोपियों को तिलियापुर बुलाया और कलेक्शन एजेंट के बारे में जानकारी देकर लूट की योजना बनाई थी। मंगल और गुरनाम के हिस्से में लूट के 22,800 रुपए आए थे। अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3,550 रुपए बरामद किए। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। जिसमें मास्टरमाइंड जो थी गुरनाम कौर थी, जो वही कलेक्शन एजेंट थी जो पैसे इकट्ठा करती थी, उसने उसके पति ने दोनों ने मिलकर साजिश रची और उसका उसको मोबाइल से उसकी लोकेशन लेकर है। और जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा तो उसके पीछे जो आदमी उनके रिश्तेदार और रिश्तेदार थे उनसे फ़ोन से बता के उसको लूट लिया। लूटने के बाद ये लोग भाग गए, उनको 5 गिरफ्तार कर लिया। 1.5 महीने से फरार चल रहे थे, उनको कल गिरफ्तार किया गया और आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मेन मास्टरमाइंड जो है ये दोनों हैं, पति पत्नी, और उनको जेल भेजा जा रहा है। प्राप्त हुए जो उससे बाकी इन लोगों ने पैसे खर्च कर लिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।